गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सीता चौबे, मनोविज्ञान विभाग मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों आज मैं आप लोगों को कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में मैं बता रही हूँ। ये कॉग्निटिव थेरेपी क्या होता है ना? तो आज मैं आपको कॉग्निटिव थेरेपी मतलब संज्ञानात्मक चिकित्सा के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। संज्ञानात्मक चिकित्सा से तात्पर्य एक ऐसा चिकित्सीय उपागम से होता है जिसमें क्लाइंट के संज्ञान अर्थात उसका विश्वास, बिलीफ, चिंतन, स्कीमा, आत्मकथन आदि में परिवर्तन करके उसके अपअनुकूलित व्यवहार को हटाया जाता है और उसके जगह पर अनुकूलित व्यवहार को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसमें विभिन्न तरह की विधियों को अपनाकर रोगी में संज्ञानात्मक पुनर्संरचना कॉग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग किया जाता है ताकि रोगी गलत चिंतन तथा विश्वास का त्याग करके उसके जगह पर उपयुक्त चिंतन एवं विश्वास विकसित करके समायोजित व्यवहार करने में सफल हो सके। क्या किया जाता है इसमें? इसमें संज्ञानात्मक चिकित्सा में क्या क्या होता है कि क्लाइंट के संज्ञान मतलब उसके विश्वास, उसके अंदर जो होता है विश्वास, चिंतन, आत्ममंथन, आत्मकथन जो होता है आदि में परिवर्तन किया जाता है करके उसके अपअनुकूलित व्यवहार माने जो उसका मैलाडेप्टिव बिहेवियर है उसको हटा दिया जाता है और उसके जगह पर अनुकूलित व्यवहार को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसमें विभिन्न तरह की विधियों को अपनाया जाता है जिससे रोगी के संज्ञानात्मक पुनर्संरचना किया जाता है ताकि रोगी गलत चिंतन या विश्वास को त्याग करके उपयुक्त चिंतन हो या विश्वास को विकसित करे और उससे उसका समायोजन व्यवहार सफल हो सके। तो इसके लिए हम लोग दो प्रकार का जो इसका चिकित्सीय प्रविधि है वो काफ़ी प्रचलित है ना। तो इस दो प्रकार में कौन कौन सा प्रचलित है अधिक उसको देखते हैं। रेशनल इमोटिव चिकित्सा है ना, रेशनल इमोटिव थेरेपी। दूसरा है वेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा, वेक्स कॉग्निटिव थेरेपी। तो बच्चों आज मैं सबसे पहले रेशनल का इमोटिव चिकित्सा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसे देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। इस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन इलिस द्वारा किया गया था। इसे संक्षेप में RET रेट भी कहा जाता है। इस चिकित्सा विधि की पूर्व कल्पना यह होती है कि रोगी के सांवेगिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बाह्य तनाव नहीं होता है। क्या होता है? रोगी के सांवेगिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बाह्य तनाव नहीं होता है बल्कि आंतरिक एवं अंतर्संगत विचार उसके एवं विश्वास होता है जो उन्हें यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि उनकी खुशी के लिए ऐसी इच्छाओं की पूर्ति आवश्यक है ना। तो चिकित्सक का यह मानना होता है कि रोगी के गलत व्यवहार या गलत विश्वास तंत्र एवं आदर्शवादी आत्मकथन ही समायोजी व्यवहार स्थापित करने के मार्ग में क्या होता है, बाधक होता है ना। तो इसमें बाधक होता है। मैं प्रत्येक कार्य समय पर हमेशा करता हूँ एक ऐसा ही आदर्शवादी कथन का उत्तम उदाहरण है। यहाँ चिकित्सक रोगी के इस तरह के अविवेकपूर्ण व्यवहार तथा विश्वासों की खोजबीन करता है जिसे वह वर्षों से स्वीकार किए होता है और जिसके परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार कुसमायोजित हो जाता है। चिकित्सक रोगी के मन में से ऐसे विश्वासों को हटाकर उसमें नया विश्वास तथा संज्ञान विकसित करता है ताकि वह फिर से समायोजी या अनुकूलित व्यवहार करने लगे। क्या करे? फिर से वो अपना अनुकूलित पहले जैसा व्यवहार करने लगे। इसका सारांश यह है कि रेट में मतलब कि RET में
अतार्किक विश्वास में जिसमें कोई तर्क नहीं है, वो विश्वास पूर्ववर्ती घटनाओं जो पहले घटना घट चुका है तथा उनके परिणामों के बीच होता है, है ना। इन दोनों के परिणाम क्या होंगे इसी के बीच ही इस तरह का विश्वास उत्पन्न होता है। इसे RET रेट में ABC विश्लेषण कहा जाता है। पूर्ववर्ती कारकों जिनसे अपनुकूलित व्यवहार उत्पन्न होता है का पता लगाया जाता है। इसके बाद विश्वास, खासकर अतार्किक विश्वास जो क्लाइंट की वास्तविकता को विकृत कर दिया है, का पता लगाया जाता है। परिणाम अर्थात अतार्किक चिंतन का परिणाम यानी नकारात्मक संवेग लगाया जाता है, ठीक है। परिणाम अर्थात अतार्किक चिंतन का परिणाम यानी नकारात्मक संवेग तथा नकारात्मक व्यवहार का पता लगाना होता है। इसके लिए चिकित्सक निम्नलिखित दो विधियों को अपनाते हैं, कुछ ऐसी विधियां हैं जिसको नकारात्मक जो चिंतन होता है उसके परिणाम को जानने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला विधि होता है जिसमें रोगी के गलत विश्वास का विवेकपूर्ण तथ्यों से सामना कराया जाता है ताकि रोगी अपने आप ही नकारात्मक परिणामों से लड़ सके, उसकी व्यर्थता को समझकर अपने मस्तिष्क से उसे निकाल फेंके, है ना। व्यक्ति स्वयं ही उस अपने इसको अतार्किक विचार को निकाल कर अपने से ही फेंक दे, यही इसी का हम लोग क्या करते हैं पहली विधि में इसका उपयोग करते हैं। गलत विश्वास जिसके विवेकपूर्ण में धारित हो जाता है, तथ्य धारित हो जाता है, तो उससे लड़ करके ये रोगी स्वयं उसको हटा दे और अच्छे विचार को अपने मन मस्तिष्क में लाए, यही पहला विधि होता है। दूसरी विधि है इसकी कि जिसमें चिकित्सक व्यवहार उन्मुखी प्रविधि को अपनाकर क्लाइंट के व्यवहार एवं चिंतन में परिवर्तन लाता है। जैसे चिकित्सक को गृह कार्य के रूप में कुछ भाषा पुनर्बलन व्यवहार अभ्यास करने के लिए देता है, अपने गलत विश्वास के विरुद्ध कार्य करते समय रोगी को मन ही मन यह सोचने के लिए कहा जाता है कि मैं सचमुच में एक अच्छा काम कर रहा हूँ। ये भी ये तो इसे समझ में आता है कि वो क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाया है कि नहीं कर पाया है, ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। और उसमें देखा जाता है कि हमने इसमें किस तरह से इस बातों को लिया और रोगी इसको किस तरह से इसका उपयोग कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि इस संज्ञानात्मक व्यवहार में इसका जो रेशनल इमोटिव थेरेपी है इसके व्यवहार में क्या करते हैं कि वो रोगी स्वयं से अपने व्यवहारों का जो गलत उपयोग होता है उसको हटाने का प्रयास करता है, उसको हटाने की चर्चा करता है, जो उसके विश्वास को के द्वारा गलत अतार्किक चिंतन के द्वारा अतार्किक संवेग के द्वारा जो क्या रिप्लेस होता है, तो और धनात्मक विश्वास उसमें उत्पन्न होता है जिसके कारण उसका व्यवहार समायोजित हो जाता है और मैलाडेप्टिव बिहेवियर जो है वो रिप्लेस कर जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका रेशनल इमोटिव चिकित्सा क्या होता है ना। और इसके अंतर्गत अभी और भी बहुत सारे क्या हैं ये थेरेपीज हैं जिसको हम लोग बताएंगे, और थेरेपी बताने के बाद फिर इसको हम लोग देखेंगे कि ये जो RET में होता है, RET मतलब रेशनल इमोशन थेरेपी में का विश्लेषण हम लोग ये किसमें किया है, इलिस महोदय ने इसका किया, तो ये किसमें किया, ABC विश्लेषण में किया। ABC विश्लेषण का मतलब हुआ कि वो किस किस रैंक तक इसे बढ़ा सकता है या किस किस रैंक तक उसे जा सकता है। हमारे इलिस महोदय ये 1975 में जब इन्होंने ये शोध किया तब उसमें देखा कि इसमें बहुत सी गलत जो तर्कपूर्ण विश्वास होता है वो व्यक्ति क्या किया है अपने मन में वो धारित कर चुका है, उसको अपने मन में धारणा बना करके ही वो अपने व्यवहार उसी के अनुसार वो अपना व्यवहार करता है, जिसके कारण उसका व्यवहार क्या है कि वो कुसमायोजित होते चला गया है ना। और अब वो व्यक्ति
उसी के अनुसार अपना व्यवहार करता है। इसके लिए अब इन्होंने दूसरी प्रविधि में उसी व्यवहार को हटाकर दूसरे व्यवहार को बनाया और देखा कि नहीं, इस व्यवहार के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, दूसरे व्यवहार को रखते हैं। मतलब गलत व्यवहार, गलत चिंतन, अविवेकपूर्ण चिंतन को हटाकर हम लोग दूसरे चिंतन को करते हैं ताकि वो उसे और अधिक हो सके। अब रोगी स्वयं इस चीज़ को समझ सके कि हमारा ये जो मन का विश्वास है या हमने जो मन में ये धारणा पाल रखा है वो गलत है, और इस गलत की जगह पर ये जो हमारा विचार है वो हमारा विचार सही है जो कि हमको आगे बढ़ने में ज़्यादा सहूलियत दे सकता है। तो रोगी स्वयं से क्या करता है कि उसको रिप्लेस करके अच्छे विचारों को डालता है, जो तर्कपूर्ण होता है उस अच्छे विचारों को डालता है, और डालने से उसे के बाद वो अपना व्यवहार उस तरह से करने लगता है तो उसको समझ में आने लगता है कि दोनों के व्यवहार में क्या अंतर हमने पाया और क्या अंतर उसमें है। तो अभी मैं इतना ही बताती हूँ, अगले क्लास में फिर मैं आपको बताऊँगी बेक्स का कॉग्निटिव थ्योरी, है ना, कि बेक्स कॉग्निटिव थ्योरी क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।